वापस से उसी मोड पे आ जाते हैं। आपको ये लाइन रहेगा, ये नॉर्मल मोड रहेगा, ये बंद है, ये बंद है। आपको तो पहले तो रिचार्ज के टाइम पे करना क्या है, सॉफ्टवेयर का जो मेन आउटलेट है, मेन आउटलेट जैसे टैब रहेगा या आपका सिम का जो भी है, आप उसको तोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा, वो जो प्रेशर बना रहता है ना बैक प्रेशर, वो निकल जाता है और आपको ये निकालने के लिए भी आसानी हो जाती है, वो टाइट हो जाता है। अगर आपकी बंद रहेगा तो वैक्यूम पकड़ लेगा वहां, तो फ्री करने के लिए आपको ये आउटलेट दोनों खोल देना है और फिर मेन इनलेट बंद कर दीजिए सॉफ्टवेयर का। ये आपने कर दिया, फिर ये पूरा पानी निकल जाता है। तो उसके बाद करना क्या है आपको, ये आपको खोल देना है ऊपर से क्या, ठीक है, ये आप खोल दिए, एंटी क्लॉकवाइज निकल जाती है, एंटी क्लॉकवाइज लॉक हो जाती है। तो ये आपको उसके अंदर जो सॉल्ट का एक पैकेट है पूरा का पूरा उसमें डाल देना है, ठीक है। तो ये फिर बांधने के बाद आपको ये ध्यान भी देना है कि यहाँ पे ओरिंग है, ये कहीं गिर जाती है, तो ध्यान रखना है कि इसमें अंदर ओरिंग है, निकाल देते हैं आप कहीं रख दोगे ऐसे रख दोगे तो चांसेस है कि निकल जाता है, ये इजीली तो निकल देगा नहीं, निकलेगा कभी। तो फिर आप इसको ये टाइट कर दिया आपने, फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नॉर्मल मोड है, मतलब सॉफ्टनिंग होने वाला मोड है, ठीक है, इन हो रहा है, सॉफ्ट होके आपको मिल रहा है पानी। तो आपको रिचार्ज करना है अभी, आपने अभी सॉल्ट डाल दिया, कैप लगा दी, मेन इनलेट भी बंद है, तो ये आपको रिचार्ज के मोड से घुमा देना, ये दिख रहा है डायरेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है रिचार्ज, तो ये हमने टर्न कर दिया उसको, ठीक है। तो फिर वापस आपको मेन इनलेट खोल देना है, थोड़ा थोड़ा करके खोल देना है। तो ध्यान रखना है कि 2 kg के आगे प्रेशर ना जाए, क्योंकि इसके अंदर एक बैक प्रेशर रहता है, अच्छा, उसी से आपका रीजनरेशन हो रहा है, यहाँ पे एक रिड्यूसर लगा हुआ है, ओके। तो नॉर्मल प्रेशर से थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो ध्यान रखना है कि आप कितना देख रहे हो, ठीक है, ये सही रहेगा, यहाँ पे अभी तो नहीं है उतना प्रेशर, 2 kg के बीच में ही है। ये रेड कलर का जो दिख रहा है यहाँ दिख रहा है, ये रेड कलर में जो लिखा है ना प्रेशर गेज के ऊपर, वो केजी में काउंट होता है, और बाकी का जो मार्जिन है वो PSI है, मतलब हवा फिल करने के लिए जो PSI आता है, तो उसके लिए है वो। तो हमको केजी देखना है ना, केजी देखना है जो रेड में है, बाकी का PSI है, वो मेंशन किया है उन्होंने। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस है ना ये चलता रहेगा एटलीस्ट 20 मिनट का, मतलब ये सॉल्ट जो है ना पूरा मिक्स हो जाता है, जो सोडियम है अंदर के जो INS किया हुआ रेजिन देता है उसको रिचार्ज कर देता है फॉर 600 लीटर। तो उसके बाद आपको देखना है कि इसके अंदर सॉल्ट वाटर आ रहा है, जैसे आप देखते हो ना, तो ये रिचार्ज के टाइम इसमें सॉल्ट वाटर आ रहा है, अच्छा सर, ओके, ये सॉल्ट वाटर निकलता रहेगा, तो इसको निकलने दीजिए। जैसे सॉल्ट वाटर खत्म हो जाता है नॉर्मल वाटर आने लगता है ड्रेन से इसके, तो आपको करना क्या है, मेन इनलेट वापस से बंद कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये कॉक काफी घुमा रहे हैं ना, इसका जब भी मूवमेंट करते हैं, हाँ, तो ये कभी भी इनलेट बंद होना चाहिए इसका, मेन इनलेट, ओके, ऑनलाइन नहीं घुमा सकते इसको, ठीक है। तो ये पूरा थोड़ा पानी जाने देते हैं, तो 20 मिनट तक ऐसा होगा, 20-25 मिनट चलता रहेगा रीजनरेशन। तो उसके बाद आपको ये अपने नॉर्मल मोड, मतलब सर्विस मोड पे डाल दिया, ठीक है, फिर आपको ये मिनट खोल देना है मेन इनलेट, जो आपने ये कॉक रिमूव करने के लिए या जो भी मूवमेंट करने के लिए बंद किया था। तो ये आ गया बंद, तो इसको बंद कर दीजिए, फिर उसको भी बंद कर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका रिलेशन, ठीक है। तो ये वीकली बेसिस पे करना है, हाँ।